अच्छा, हम लोगों ने जो मैथमेटिकल फंक्शंस देखा था जब हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी को कवर कर रहे थे, तो वहां पे लाग के बारे में कोई जिक्र नहीं हुआ। लाग फंक्शन के बारे में हम लोगों ने कोई जिक्र नहीं किया था। आइए लॉगरिथम को डिस्क्राइब करते हैं, डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली ये लॉग फंक्शन करता क्या। देखिए, हमने एक नंबर लिया 4 और इस 4 को हम ऐसे लिख रहे हैं 2 to power 2। तो जब हम लोग लॉग का इस्तेमाल करेंगे तो इसी चीज को कैसे लिखेंगे, तो नंबर कौन सा है 4 और बेस हमने क्या लिया है 2, तो इसका जवाब क्या आएगा 2। इन जनरल हम लोग अगर कुछ ऐसे लिख रहे हैं तो इसका क्या मतलब हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि n टू पावर m किसके बराबर होगा, x के बराबर, जहां पे x क्या है नंबर, n क्या है, n इज द बेस, और m क्या है, तो m इज द पावर। देखिए, अगर मैं लॉग को डिफाइन करूं तो मैं कुछ ऐसे डिफाइन करूंगा कि दी गई संख्या को दिए गए आधार पे घातों के रूप में लिखना। मतलब लॉगरिथम इज अ वे इन विच ए गिवन नंबर इज रिटन इन टर्म्स ऑफ पावर ऑन अ गिवन बेस। तो यहां पे 4 क्या है, तो 4 इज द गिवन नंबर, और 4 को किसके पावर में लिखना है, तो बेस के पावर में लिखना है। तो बेस यहां पे क्या है, तो बेस इज 2। तो 4 को 2 के बेस में जब हम लोग पावर्स के साथ लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4 इक्वल्स टू 2 to power 2। और इन जनरल मैंने क्या लिखा है कि एक हमारे पास नंबर है x, इस x को बेस n पे लिखना है तो पावर हमको क्या मिलेगा, तो पावर मिलेगा m। ठीक है, चलिए कोई एक नंबर लेते हैं 8 और 2 के पावर में लिख के, तो ये क्या हो जाएगा 3, 2 to power 3 is 8। अब हम एक काम करते हैं, हम एक नंबर लेते हैं 7 और 7 को लॉग फंक्शन में हमने पास किया है और बेस हमने लिया है 2, और यहां पे हमने क्या लगा दिया है, सीलिंग फंक्शन लगा दिया। तो हमको पता है कि लॉग ऑफ 7 to base 2 की जो वैल्यू होगी वो 2 से बड़ी होगी और 3 से छोटी होगी। क्यों मैं ऐसा बोल पा रहा हूं, क्योंकि जब हम 2 to power 2 लिखेंगे तो इट इज 4, और जब हम 2 to power 3 लिखेंगे तो इट इज 8, बट नंबर इज 7, यानी 7 जो है इस 4 और 8 के बीच में कहीं लाई कर रहा है, यानी 2 का जो पावर 2 है, ठीक है, और 8 में जब 2 का पावर 3 हम लोग ले रहे हैं, तो जब हम लोग 7 की बात करेंगे तो लॉग ऑफ 7 to base 2, तो यहां पे जो पावर होगा वो कुछ ऐसा होगा, अगर पावर को हमने कहा है m, तो m कुछ ऐसा होगा, m इज ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 3। और जब हम इसको सीलिंग फंक्शन में डालेंगे तो हमको कुछ वैल्यू मिलेगी 2 point something, चलिए लिख देते हैं 2 point xyz, तो ये वैल्यू हमको क्या हो जाएगी 3 मिलेगी। और अगर यही काम हम लोग किसके साथ किए होते,
फ्लोर फंक्शन के साथ किए होते तो हमको क्या मिलता, फ्लोर ऑफ 2.xyz, और इसकी वैल्यू क्या हमको मिलती, तो 2 मिलती। यानी फ्लोर फंक्शन जो है हमको 2 दे देगा और सीलिंग फंक्शन हमको क्या दे देगा, 3 दे देगा। ठीक है, तो लॉग को हम लोग बहुत धड़ल्ले से एज अ टूल कॉम्प्लेक्सिटी जब भी हम लोग निकालेंगे तो इसमें इस्तेमाल करेंगे। चलिए आगे, अगर कुछ ऐसा लिखा हुआ है लॉग ऑफ 1 और बेस हमने लिया है x, तो लॉग ऑफ 1 टू बेस x इट इज 0। ध्यान दीजिए, क्यों, क्योंकि किसी भी नंबर का पावर अगर आप 0 करते हो तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, अच्छा हम लोग कंप्यूटर साइंस में मैक्सिमम 2 को लेकर चलेंगे, बेस हमारे लिए 2 होगा। आप लोगों ने अलजेब्रा में पढ़ा होगा कि वहां पे बेस 10 भी हो रहा था, वहां पे बेस 2 भी हो रहा था, और हम लोग एक्सपोनेंशिएशन की भी बात कर रहे थे, e की भी बात कर रहे थे। ठीक है, तो यहां पर भी वो सारी चीजें हम लोगों को दिखेंगी। ठीक है, हम लोग लॉग ऑफ 10 भी यूज करेंगे जरूरत पड़ने पर, लॉग ऑफ x टू बेस e भी यूज करेंगे, और लॉग ऑफ x टू बेस 2 भी इस्तेमाल करेंगे। बट लॉग ऑफ x टू बेस 2 मैक्सिमम केसेस में हम लोगों के सामने आएगा, और उसके पीछे का रीजन ये है कि जो अपना पूरा कंप्यूटर साइंस है वो 2 के पावर में चल रहा है। जब मैं ये बात बोल रहा हूँ तो मेरे बोलने का सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर हम लोग मेमोरी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट को कंसीडर करें तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, दैट इज अ सिंगल बिट, और एक बिट में हम लोग केवल 2 ही पॉसिबल वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं, या तो 0 या तो 1, और इसीलिए हमने कहा कि कंप्यूटर साइंस में लॉग ऑफ x टू बेस 2 का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, लॉग ऑफ 1 किसी भी बेस पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ध्यान दीजिए तो लॉग ऑफ 0 टू बेस x ये हमेशा अनडिफाइंड है, लॉग ऑफ 0 टू बेस x इज ऑलवेज अनडिफाइंड। ठीक है, बाकी आप लोगों को लॉग के बारे में कुछ चीजें, कुछ फंडामेंटल रूल्स पता होंगे, उसको हम यहां पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इनका इस्तेमाल हम लोग जरूरत पड़ने पर करेंगे। चलिए मैं कुछ ऐसे लिख रहा हूं, लॉग ऑफ ए एक्स इंटू वाई, तो ये चीज क्या हो जाएगा, इट इज लॉग ऑफ एक्स टू बेस ए प्लस लॉग ऑफ वाई टू बेस ए। अगर हमने कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि लॉग ऑफ एक्स अपॉन वाई टू बेस ए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो इट इज लॉग ऑफ एक्स टू बेस ए माइनस लॉग ऑफ वाई टू बेस ए, यानी मल्टीप्लीकेशन एडिशन में कन्वर्ट हो जाएगा और डिवीजन जो है वो सब्सट्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए हमको लॉग ऑफ 3 टू बेस 2 निकालना है, लॉग ऑफ 3 टू बेस 2 हमको निकालना है, तो इस चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, लॉग ऑफ 3 टू बेस 10 अपॉन लॉग ऑफ 2 टू बेस 10। ध्यान दीजिए, तो लॉग ऑफ 3 की वैल्यू बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो ये होता है 0.67 अपॉन लॉग ऑफ 2 टू बेस 10 होता है 0.30। देखिए, यानी अगर कुछ ऐसे है तो इन जनरल हम लोग कुछ ऐसा लिख सकते हैं, लॉग ऑफ ए टू बेस बी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लॉग ऑफ ए टू बेस एम अपान लॉग ऑफ बी टू बेस एम। ठीक है,
ये फार्मूला हम लोग कब यूज करेंगे, तो जब हमको दिए गए बेस के ऊपर जो है पावर्स के बारे में कोई आइडिया नहीं होगा, ठीक है। तो लॉग इज गोइंग टू बी अ वेरी पावरफुल टूल, और इस टूल का हम लोग बहुत धड़ल्ले से इस्तेमाल करेंगे जब भी हम लोग किसी एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी को देख रहे हो, ठीक है। तो आई होप कि ये कंसेप्ट जो है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग अपने थीटा नोटेशन पर वापस आते हैं। तो थीटा नोटेशन पर वापस आ रहे हैं हम लोग, और हम लोग एक प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। प्रॉब्लम क्या है, लेट एफ एन एंड जी एन बी एसिम्प्टोटिकली नॉन नेगेटिव फंक्शंस, ठीक है। आगे यूजिंग द बेसिक डिफिनीशन ऑफ थीटा नोटेशन, यूजिंग द बेसिक डिफिनीशन ऑफ थीटा नोटेशन प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है हम लोगों को, तो मैक्स ऑफ एफ एन कामा जी एन इज इक्वल टू थीटा ऑफ एफ एन प्लस जी एन, ये हमको बताना है कि ये जो क्लेम किया जा रहा है ये क्लेम सही है या नहीं है। ध्यान दीजिए, तो ये जो मैक्स फंक्शन है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्स फंक्शन, कैसे, तो हमने कहा कि मैक्स ऑफ एफ एन कामा जी एन, तो मैक्स फंक्शन वही वैल्यू रिटर्न करेगा जो सबसे बड़ी हुई। तो अगर मैक्स फंक्शन रिटर्न कर रहा है एफ एन, तो एफ एन तब रिटर्न होगा व्हेन एफ एन इज ग्रेटर देन क्या, जी, और अगर मैक्स फंक्शन रिटर्न कर रहा है जी एन, तो ये तभी होगा जब जी एन इज ग्रेटर देन क्या, एफ एन। तो दिस इज द यूज ऑफ मैक्स फंक्शन। ध्यान दीजिए, जरूरी नहीं है कि मैक्स फंक्शन में हम लोग केवल दो ही आर्गुमेंट पास करें, ठीक है, हम लोग दो से ज्यादा आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, जब हम लोग फंक्शन की बात करते हैं तो हमने कहा y इक्वल्स टू एफ एक्स, तो ये ax क्या है, इट इज द डोमेन, और ये y क्या है, इट इज द रेंज। तो ये जो रेंज होता है, दिस रेंज इज समटाइम्स आल्सो नोन एज क्या, इमेज, और ये जो डोमेन होता है समटाइम्स इट इज आल्सो नोन एज क्या, प्री इमेज। ध्यान दीजिए, ये जो डोमेन है जो हम लोग पास कर रहे हैं, इसको हम लोग मैथमेटिकली आर्गुमेंट्स भी बोलते हैं। इसीलिए हमने कहा कि मैक्स फंक्शन में जरूरी नहीं है कि हम लोग केवल दो ही आर्गुमेंट पास करें, वी कैन पास मोर देन टू आर्गुमेंट्स इन द मैक्स फंक्शन। बट व्हाट इज द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्स फंक्शन, तो मैक्स फंक्शन विल ऑलवेज रिटर्न द मैक्सिमम वैल्यू। सिमिलरली वी मे इमेजिन फॉर अ मीन फंक्शन ऑल्सो, तो मीन फंक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो मीन ऑफ एफ एन कामा जी एन, ध्यान दीजिए, तो एफ एन और जी एन में जो सबसे छोटी वैल्यू होगी that will be returned by the mean function, or similarly to max, mean के अंदर भी हम लोग दो से ज्यादा argument क्या कर सकते हैं, pass कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग अपने original problem पे आते हैं। तो जो original problem है उसमें claim किया गया है, and what is the claim, तो claim ये बोल रहा है कि max of fn Zn is equal to theta of Fn plus Zn। देखने में यह प्रॉब्लम बहुत बड़ा लग रहा होगा,
लेकिन इस प्रॉब्लम में कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम लोगों को ना पता। चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अच्छा, जब हम थीटा नोटेशन के लिए एक्सप्रेशन लिखेंगे तो वहां पे हमें एक चीज ध्यान देना होगा, क्योंकि कन्वेंशनली हमने fn और gn ऑलरेडी यूज किया था, तो कोई कंफ्यूजन ना हो। इसलिए जो कल वाले लेक्चर में हम लोगों ने fn और gn को देखा था, मैं fn और gn का जो नेम है उसको मैं चेंज कर दे रहा हूँ, बाकी सारी चीजें एज सच रहेंगी। क्यों? क्योंकि fn और gn प्रॉब्लम में भी दिया गया। चलिए, तो मैं थीटा नोटेशन के लिए मैं कुछ एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ जो कंडीशन थी, तो मैंने लिखा देखिए, ये कंडीशन कल हम लोगों ने पढ़ा था, और हम लोगों ने कल ये जो xn है इसकी जगह पे क्या पढ़ा था, gn पढ़ा था, और yn की जगह पे हमने क्या पढ़ा था, fn पढ़ा। ठीक है, तो ये तो हमारे ऊपर है कि हम फंक्शन को क्या नाम देते हैं, क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम में ही fn और gn दे दिया गया है, इसलिए हम लोग यहाँ पे fn और gn जो है कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि एम्बिग्यूटी क्रिएट हो सकती है। चलिए, तो अगर हम लोग कंपेयर करें तो अगर ऐसा कुछ है तो इसके अनुसार हमको क्या मिलेगा, yn equals to theta of xn। ठीक है, कल वाले वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, रिकॉल हो जाएगा। अब चलिए, तो हम लोग इसको और इसको कंपेयर करते हैं। जब कंपेयर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, तो yn की वैल्यू हमको क्या मिलेगी, मैक्स ऑफ fn कामा gn, और xn की वैल्यू हमको क्या मिलेगी, तो ध्यान दीजिए, xn की वैल्यू हमको मिलेगी fn प्लस gn। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग xn और yn की वैल्यू यहां पे लाके रखेंगे, तो जब यहां पे लाके रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, तो 0 लेस देन इक्वल टू क्या C1, और xn की जगह पे क्या मिल जाएगा, fn प्लस g ग्रेटर देन इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू मिल जाएगा fn प्लस g, लेस देन इक्वल टू क्या मिल जाएगा, C2 fn प्लस g। उम्मीद है कि ये चीज फ्रेम में आ रही होगी। चलिए, अब हम लोग इसको कंसीडर करेंगे, इसको मैं यहां से हटा दें। अब हम लोगों को C1 और C2 अगर पॉजिटिव कांस्टेंट मिल जाता है और n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू n नॉट मिल जाता है, तो ये क्लेम हमारा सही हो जाएगा। लेकिन कल वाले लेक्चर में मैंने एक बात और भी कहा था कि जरूरी नहीं है कि हमको n की कोई ऐसी वैल्यू मिले, और उसके लिए मैंने एक एग्जांपल भी दिया। ठीक है, चलिए, फॉर C1 यहां पे हमारी कोशिश ये होगी कि हम लोग किसी तरीके से C1 को पॉजिटिव कांस्टेंट बताएं। तो C1 को अगर हमें पॉजिटिव कांस्टेंट बताना है तो हम लोग कंसीडर करेंगे क्या, fn प्लस gn किसके साथ, तो C1 के साथ, लेस देन इक्वल टू। अच्छा, एक चीज और था कि जो ओरिजिनल प्रॉब्लम दी गई थी वो क्या थी, मैक्स ऑफ एफ एन कामा जी एन इक्वल्स टू थीटा ऑफ एफ एन प्लस जी एन, दैट वाज द ओरिजिनल प्रॉब्लम। ठीक है, तो
हमने क्या लिखा था, वाई एन इक्वल्स टू थीटा ऑफ एक्स, और इसके करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, तो कंडीशन क्या मिलेगी, सी वन एक्स एन लेस देन इक्वल टू क्या, वाई एन। तो वाई एन की वैल्यू क्या है, मैक्स है। तो देखिए यहां पे मैक्स हमारा मिसिंग था, ठीक है, यहां पे एक्स हमारा, मैक्स हमारा मिसिंग था, तो इसको हमें करेक्ट करना होगा, ठीक है। तो यहां पे हम लोग क्या लिख लें, मैक्स के साथ लिखेंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, पहले यहां पे मैं आप लोगों को करके दिखा दूं, तो सी वन एक्स एन, ठीक है, लेस देन इक्वल टू वाई एन लेस देन इक्वल टू सी टू एक्स एन। अब ये क्या हो जाएगा, सी वन, तो एक्स एक्स एन की जगह पे क्या आ जाएगा, एफ एन प्लस जी एन आ जाएगा। हो सकता था कि वो फ्रेम में न दिख रहा हो, और वाई एन की जगह पे क्या आ जाएगा, तो मैक्स आ जाएगा, मैक्स मैक्स ऑफ क्या, एफ एन कामा जी एन लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी टू एफ एन प्लस जी एन, ठीक है। तो ये चीज उठा के यहां रख लिया जाए, तो ये क्या हो जाएगा, मैक्स ऑफ एफ एन कामा जी, ठीक है। ये चीज क्लियर हो रही होगी, क्योंकि तो हमने शुरुआत में ही कहा कि एफ एन और जी एन तो कल हम लोगों ने देखा था, बट एफ एन और जी एन जो है ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया, तो अगर ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है तो कंफ्यूजन हो सकता है। तो हमने कहा कि भाई साहब ये जो एफ एन और जी एन है, लेट अस चेंज द नेम ऑफ द फंक्शन। तो मैंने क्या लिखा, वाई एन इक्वल्स टू थीटा ऑफ एक्स, और इसके बेसिस पे जो हमको कंडीशन मिलेगी वो कुछ ऐसी मिलेगी। अब हमने किया क्या कि इसको इससे कंपेयर कर लिया, जब कंपेयर किया तो वाई एन की वैल्यू हमको क्या मिली, मैक्स ऑफ एफ एन कामा जी एन, और एक्स एन की वैल्यू क्या मिली, एफ एन प्लस जी एन। तो वाई एन और एक्स एन की वैल्यू मैंने यहाँ पर ला के रख दिया, और इसी चीज को मैंने यहाँ पे लिख दिया। और अब हम लोग बात कर रहे हैं फार सी वन, ओवरऑल हमारा एजेंडा क्या है, तो ओवरऑल हमारा एजेंडा सिर्फ और सिर्फ इतना है कि हाउ टू प्रूव दैट सी वन इज अ पॉजिटिव कॉन्स्टेंट, ठीक है। इससे ज्यादा हमारा कोई भी एजेंडा नहीं, ठीक है, और इसी एजेंडे के ऊपर हम लोग काम करने जा रहे हैं। तो हमने क्या लिखा, सी वन इंटू एफ एन प्लस जी, ठीक है। अब यहां पे क्या लिख दें, लेस देन आर इक्वल टू मैक्स ऑफ क्या, एफ एन कामा जी, ठीक है। अभी थोड़े देर पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि मैक्स फंक्शन जो है, मैक्स फंक्शन जो वैल्यू बड़ी होगी वो रिटर्न करेगा, ठीक है। तो वी डोंट नो कि एक्चुअली क्या बड़ा है, एफ एन बड़ा है या जी एन बड़ा है, इसलिए अपने पास दो चॉइसेस हैं, ठीक है। तो चलिए, हमने कहा कि केस वन में हमने कहा कि भाई साहब ये जो एफ एन है इट इज मच ग्रेटर देन जी एन। हमने कहा कि एफ एन केवल जी एन से बड़ा नहीं है, बहुत बड़ा है, और बहुत बड़ा है तो इसका एक फायदा हमको यहां पे मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अगर ऐसा है देन एफ एन प्लस जी एन नियरली किसके बराबर होगा, तो एफ एन के बराबर, यानी केस वन में हमने ये बात डिस्कस की। तो अब केस वन इस पे अप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा, अगर एफ एन इज मच ग्रेटर देन जी एन तो एफ एन प्लस जी एन किसके बराबर हो जाएगा, एफ एन के बराबर हो जाएगा, यानी सी वन एफ एन लेस देन इक्वल टू मैक्स, मैक्स फंक्शन में एफ एन जी एन पास है और एफ एन सबसे बड़ा है, तो सी वन क्या हो जाएगा, लेस देन आर इक्वल टू वन। यानी केस वन जब हमने ये माना कि एफ एन जो है वो बहुत बड़ा है, तो हमको सी वन जो है क्या मिल रहा है, एक पॉजिटिव कांस्टेंट मिल रहा है, ठीक है। चलिए, अब जो है इसको नोट कर लीजिए,
अब हम लोग बात करेंगे केस टू की। तो केस टू में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, इसको भी हम यहां से हटा दे जाए। तो केस टू को अगर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो ध्यान ये देना है कि अब हम लोग ठीक रिवर्स करेंगे। तो जब ठीक रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, केस टू, केस टू में हमारा एजम्पशन क्या है कि लेट Zn इज मच ग्रेटर देन क्या, Fn। ठीक है, और अब सीन क्या हो जाएगा, अगर ऐसा है तो Fn प्लस Gn किसके बराबर होगा, तो इट विल बी इक्वल टू Zn। और अब जरा ध्यान दीजिए, तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, C1 Zn लेस देन इक्वल टू, और देखिए मैक्स में दो आर्गुमेंट पास हुआ है, एजम्पशन हमारा है कि Gn सबसे बड़ा है, तो यहां पे वैल्यू क्या मिल जाएगी, Gn मिल जाएगी। अब ये क्या हो गया, C1 लेस देन इक्वल टू 1, यानी Fn और Gn में से कोई भी बड़ा हो तो वी हैव ए पॉजिटिव कांस्टेंट फॉर C1। ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ वी हैव टू रिपीट द सेम प्रोसेस फॉर C2। चलिए C2 के लिए यही काम करते हैं। तो C2 के लिए जब हम लोग यही चीज रिपीट करेंगे तब क्या होगा, तो मैं यहां पे इसका कंक्लूजन भी लिख दूं कि C1 इज ऑलवेज पॉजिटिव कांस्टेंट। देखिए हमने क्या लिखा, ऑलवेज, ऑलवेज लिखने के पीछे का मेरा रीजन क्या था, क्योंकि अपने पास दो केसेस थे। पहला केस हमने क्या कंसीडर किया था, तो Fn इज मच ग्रेटर देन Gn, और दूसरे केस में हमने क्या कंसीडर किया था कि Gn इज मच ग्रेटर देन क्या, Fn। दैट्स व्हाई मैंने यहां पे टर्म इस्तेमाल किया है ऑलवेज। ठीक है, चलिए अब बात हम लोग करेंगे किसके बारे में, तो हम लोग बात करेंगे C2 के बारे में। तो C2 के बारे में बात करते हैं, तो जब हम लोग C2 के बारे में बात करेंगे फॉर C2, तो C2 के बारे में बात करेंगे तो हमें यहां से लेकर यहां तक कंसीडर करते हैं, तो क्या हो गया, मैक्स ऑफ Fn कामा Gn लेस देन इक्वल टू C2 Fn प्लस Gn। चलिए केस वन, लेट Fn इज मच ग्रेटर देन Gn, तब क्या होगा, तब मैक्स क्या रिटर्न करेगा, देन मैक्स क्या रिटर्न करेगा, तो Fn लेस देन इक्वल टू C2। और देखिए इस एजम्पशन के साथ Fn प्लस Gn लगभग किसके बराबर होगा, तो Fn के बराबर। तो यहां पे क्या लिख दे, C2 Fn कैंसिल हुआ, 1 इज लेस देन इक्वल टू C2। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं केस टू। केस टू कंसीडर किया जाए, तो केस टू जब हम लोग कंसीडर करेंगे तो अब केस टू में क्या हम लोग लेंगे, लेट Gn इज मच ग्रेटर देन Fn, और अगर ऐसा होगा देन Fn प्लस Gn लगभग किसके बराबर होगा, तो Gn के बराबर होगा। और अब ये मैक्स फंक्शन हमको क्या रिटर्न करेगा, तो Gn लेस देन इक्वल टू C2 Gn कैंसिल हो गया, 1 इज लेस देन इक्वल टू C2। यानी जैसे हमने C1 के केस में, जैसे हमने C1 के केस में
दो केसेस को कंसीडर किया था, उसी तरीके से हमने C2 वाले केस में भी दो केसेस को कंसीडर हमने किया। और अब हम ये चीज लिख सकते हैं कि C2 इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, चलिए अब हमने अपना कंक्लूजन जो है जो निकाला है उसको लिख लेते हैं। तो कंक्लूजन क्या है? तो कंक्लूजन है C2 इज ऑलवेज क्या? पॉजिटिव कांस्टेंट। और जब C1 और C2 दोनों पॉजिटिव कांस्टेंट निकल गए हैं, हेंस अब हम लोग क्या बोलेंगे कि मैक्स ऑफ Fn, Gn इज इक्वल टू थीटा ऑफ Fn+Gn। ठीक है, तो यही बात हम लोगों से पूछा जा रहा था कि क्या ये क्लेम ट्रू है। तो यस इट इज ट्रू, और हमने यहां पर दिया प्रूव। ठीक है, देखिए कहीं कोई रॉकेट साइंस नहीं, फंडामेंटल्स अगर क्लियर है तो वी कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए अब इसी कंटिन्यूएशन में हम लोग एक दूसरे नोटेशन को पढ़ते हैं, और वो नोटेशन है उसको बोलते हैं बिग ओ नोटेशन। जैसे कल हम लोगों ने थीटा नोटेशन को पढ़ा था, उसी तरीके से एक नोटेशन हम लोग आज भी एक्सप्लोर करेंगे, और उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे बिग ओ नोटेशन। बिग ओ नोटेशन, बिग ओ नोटेशन। देखिए एक नोटेशन आता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल ओ। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। तो स्मॉल ओ नोटेशन का इस्तेमाल हम लोग कभी भी कॉम्प्लेक्सिटी को एक्सप्रेस करने के लिए नहीं करते। ठीक है, आइए। तो कल हमने आप लोगों को कुछ ऐसे कहा था कि बाएं हाथ की तीनों उंगलियों को सामने रखिए। मिडिल फिंगर क्या है? Fn। ये क्या है? C2Gn। और ये क्या है? C1Gn। ठीक है, देखिए जब भी हम लोग बात करेंगे बिग ओ नोटेशन की, तो जो ग्राफ हम लोग प्लॉट करते हैं वो ग्राफ कुछ ऐसा होता है। इवन आप चाहे तो कल वाला ग्राफ ही प्लॉट कर लें। दिस इज Fn और दिस इज Cg1। ठीक है, अब बिग ओ नोटेशन में हम ये बोलते हैं कि Fn की मैक्सिमम वैल्यू कहां पर लाई करेगी। तो Fn की मैक्सिमम वैल्यू हमेशा लाई करेगी Cg1 को। ठीक है, कभी भी Fn की मैक्सिमम वैल्यू Cgn के बाहर नहीं जाए। And that's why theta big O notation is asymptotically tight। और यहां पे किस बाउंड की बात हो रही है? तो we are talking about the upper bound। अपर बाउंड क्या? ठीक है, चलिए तो कंडीशन क्या हो जाएगी भाई? कल वाली जो कंडीशन थी वही लिख लीजिए और लोअर बाउंड हटा दीजिए, तो क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा। कल हमने C1 C2 की बात किया था, क्योंकि यहां पे हम एक ही बाउंड कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए हमने कहा भाई जो C1 या C2 था उसकी जगह पे केवल C यूज कर लीजिए, तो इट इज परफेक्टली लीगल, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और हम और क्या बोलेंगे कि C इज क्या? पॉजिटिव कांस्टेंट। और हम लोग एक चीज और बोलेंगे कि
कि एन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एन नॉट। ये एन नॉट, इसका सिग्निफिकेंस हम लोगों ने देखा था कि एन नॉट के पहले इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द एग्जैक्ट बिहेवियर ऑफ द फंक्शन, ठीक है। बट आफ्टर एन नॉट सीन इज एंटायरली क्लियर कि विच फंक्शन इज हैविंग द मैक्सिमम ग्रोथ रेट ओवर द अदर, ठीक है। तो अगर कोई क्लेम आता है कि एफ एन इज बिग ओ ऑफ जी एन, अगर कोई क्लेम आता है तो हमें क्या चेक करना होगा, तो वी हैव टू चेक दिस एंड दिस। अगर ये दोनों चीजें होल्ड कर जाती हैं, ये चीज सॉरी केवल हमें ये चेक करना होगा कि सी वन क्या है, पॉजिटिव कांस्टेंट हो और एन की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या हो, एन ना। केवल हमको यही चीज अगर हमने चेक कर लिया, ये चीज अगर होल्ड हो गई तो ये जो क्लेम है इट इज ट्रू, ठीक है। चलिए यहां पे हमने अपर बाउंड की बात की है, तो जैसे मैंने कल कहा था कि थीटा नोटेशन इज यूज टू रिप्रेजेंट द एवरेज केस, सिमिलरली बिग ओ नोटेशन मैक्सिमम बाउंड की बात कर रहा है, अपर बाउंड की बात कर रहा है। मतलब ये हमेशा किसके बारे में बात करेगा, वर्स्ट केस के बारे में बात करेगा। इट विल ऑलवेज टेल अबाउट द वर्स्ट केस, वर्स्ट केस वेयर टाइम रिक्वायरमेंट इज मैक्सिमम, वेयर टाइम रिक्वायरमेंट इज मैक्सिमम, ठीक है। अब इसी कंटिन्यूएशन में हम लोग लोअर बाउंड को भी देख लिया जाए। चलिए तो लोअर बाउंड को भी देखते हैं। लोअर बाउंड मतलब बिग ओमेगा नोटेशन, बिग ओमेगा नोटेशन, इट इज बिग ओमेगा नोटेशन। अब जरा ध्यान दीजिए, लोअर बाउंड की बात यहां पे होगी तो ग्राफ विल लुक लाइक दिस, this is fn, this is cgn and this is n naught। और अब अगर कोई क्लेम कर रहा है कि fn is equal to big omega of gn, तो क्या होगा, तो देखिए 0 is less than or equal to Cgn less than equal to Fn, और हमें मेरे पास और क्या होना चाहिए, तो C is positive constant and n is greater than or equal to n now। चूंकि यहां लोअर बाउंड की बात हो रही है, चूंकि यहां लोअर बाउंड की बात हो रही है, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट बेस्ट केस। अगर बेस्ट केस को हमें बताना हो तो वी विल यूज थीटा नोटेशन, ठीक है। अब एक काम करते हैं, बेस्ट केस में टाइम रिक्वायरमेंट क्या होगा, मिनिमम होगा। तो आइए
कल हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल जो है सॉल्व किया था, न्यूमेरिकल क्या था कि हाफ एन स्क्वायर माइनस थ्री एन इज थीटा ऑफ एन स्क्वायर। अब जरा देखिए, तो हम इसी चीज को कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर, और इसी चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं बिग ओमेगा ऑफ एन स्क्वायर। ध्यान दीजिए, यहां पे हमने C1 और C2 दोनों को पॉजिटिव कांस्टेंट निकाला था, और यहां पे हमको अपर बाउंड के साथ जो कांस्टेंट आएगा उसको पॉजिटिव निकालना होगा, और यहां लोअर बाउंड के साथ जो कांस्टेंट आ रहा है उसको हमें पॉजिटिव बताना। ठीक है, अब मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि ये दोनों चीज आप मैथमेटिकली प्रूफ कर सकते हैं प्रीवियस वीडियो को देख। अब जरा ध्यान दीजिए, जो असली मुद्दे की बात ये है कि भाई साहब, यहां पे ये जो फंक्शन है ये तीनों जगहों पे फंक्शन क्या है, सेम, हाफ एन स्क्वायर माइनस थ्री एन तीनों जगहों पे सेम है, और यानी ये जो अपना एफ एन है, ये जो अपना एफ एन है और ये जो अपना जी एन है, तो जी एन और एफ एन इन तीनों जगहों पे क्या है, इट इज सेम। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या कॉम्प्लेक्सिटी जब हम बताएंगे तो इट इज नेसेसरी टू यूज अ नोटेशन। प्रश्न ये है कि हमने आपके सामने ये तीन चीजें रखी और तीनों जगहों पे fn और gn क्या है, सेम है, fn एंड gn इज सेम इन ऑल द थ्री केसेस, बट इज इट really required to use a notation? Answer is no. We are only interested in Zn. Notation का कोई मतलब नहीं है। तो मैं क्या बोलूंगा कि notation का कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैं बोल रहा हूं कि भाई ये एवरेज केस में ऐसा होगा, तो अगर मैं बोल रहा हूं एवरेज केस ऐसा है, तो मैं इनडायरेक्टली क्या बोल रहा हूं कि देयर एग्जिस्ट ए बेस्ट केस एज वेल एज वर्स केस फॉर दिस एवरेज केस। और अगर मैं बोल रहा हूं कि भाई साहब ये बिग ओ नोटेशन के साथ है, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट वर्स केस, तो अगर वर्स है तो बेस्ट होगा, और वर्स है और बेस्ट है तो एवरेज भी होगा। इसी तरीके से अगर मैं ये कह रहा हूं कि ये बेस्ट केस है, बिग ओमेगा बेस्ट केस, तो अगर ये बेस्ट है तो इसके करस्पॉन्डिंग कोई वर्स भी होगा, और बेस्ट है और वर्स है तो एवरेज जो है हमको पक्का मिलेगा। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा कि वी आर ओनली इंटरेस्टेड, किसमें इंटरेस्टेड है, तो वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन फंक्शन Zn, नॉट इन द नोटेशन। किसी एक केस को भी आप पकड़ोगे आपको बाकी के दोनों केस अपने आप मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये बस केवल समझने के लिए है, यू आर फ्री कि आप कौन सा नोटेशन यूज करें। ठीक है, तो आई होप कि ये आज का लेक्चर जो है आप लोगों के समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग अगले लेक्चर में इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।